हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है बेसिक्स ऑफ पोर्ट्रेट। मतलब कोई भी चेहरा, कोई भी ड्राइंग, मतलब हम कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई भी फेस अगर आपको दे दिया जाए तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे रिजेम्बलेंस लानी है। रिजेम्बलेंस मतलब समानता, जो कि कोई भी फोटो है, आपने कोई फोटो लिया और उसी की आपने ड्राइंग की ऐसे, तो वो कितना उससे मैच हो रहा है, वो होती है आपकी रिजेम्बलेंस। तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि हर एक आर्टिस्ट को, हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए ड्राइंग के, तो चलो उसी के बारे में बात करते हैं। कोई भी फेस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी फेस जैसे कि हमारे सामने रखा जाता है या फिर हमें उसे बनाना है, कोई भी फेस है तो हमेशा कोई भी फेस अगर हम सामने से देखेंगे तो वो एक इस आकार में होता है, अंडे के आकार में, बिल्कुल गोल इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है आपका ऐसे। तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया पार्ट वन, और ये हो गया दो, और ये हो गया हमारा तीन, ठीक है। तो ऐसे हमें ड्रॉ करना है। बहुत सारे मेथड्स है ड्रॉ करने के, वैसे एक ये भी होता है इस तरीके से भी, बट हम इसी पे ध्यान देंगे क्योंकि ये सबसे इजी और सिंपल है। तो और ड्राइंग करने के लिए मैंने एक A4 साइज का पेपर लिया है जो कि फोटोकॉपी वाला पेपर है, और ये पेंसिल है 10B की कैमलिन की पेंसिल, जो कि छोटे होने के कारण मैंने होल्डर में डाली हुई है, पेंसिल होल्डर में। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और कुछ देखो, यही होती है कुछ बेसिक्स। एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसके मिडल से, बिल्कुल ये देखो। तो जो ये वाला होता है, ये हिस्सा हमारा किसका हो जाता है, आईब्रो का हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आईब्रो का हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा नोज का, ठीक है गाइस। तो ये हमारा नोज का हो गया, और इसकी और इसकी, मतलब इन दोनों के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है उसकी हाफ अगर हम कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएंगे लिप्स के, ठीक है। तो ये हमारा नोज, और ये हमारे लिप्स, और ये हमारी चिन। और हेयर आपको कैसे ड्रॉ करने हैं वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं। ये हमारा फोरहेड हो जाता है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का। और कुछ जैसे कि ये होती हैं, देखो यहाँ पे हमारी आईज हो जाएंगी। तो हमें आईज कैसे ड्रॉ करनी है, बहुत सारे बच्चे टेढ़ी मेढ़ी आईज बना देते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब सही तरीके से प्रोपोर्शन में नहीं होता। तो कुछ जो बेसिक्स है हमारी आईज की, हमारे फेस की, वो ये मानी जाती है कि जो हमारी आईज होती है वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होती है वो हमारी 5 आईज के इक्वल होती है। तो ऐसे ही जो हमारी आईज होती है ना दोनों, उनके बीच में भी जितना फासला होता है, जितनी डिस्टेंस मेंटेन होती है, वो एक आईज की लेंथ की होती है हमेशा। तो ये एक आईज यहाँ पे आ गई, और एक हमारी यहाँ पे आ गई, और एक यहाँ पे, और फिर ये आ जाती है साइड में इस तरीके से, ठीक है गाइज। तो एक, दो, तीन, चार और पांच, ये क्या होगी, हमारी आईज होंगी, ठीक है। और तो फिर हमारा आ जाता है नोज वाला हिस्सा। तो नोज जो है हमें इस तरीके से ही ड्रॉ करना है। तो चलो इसमें थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं, मतलब डिटेल इतनी ज्यादा नहीं है, बस बेसिक्स जो होती है, मतलब चेहरा आपको कैसे ड्रॉ करना है वो उस चीज पर ध्यान देना है। तो अब देखिएगा, इस मैं यहाँ पे जो है, आईब्रो ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। और सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि ड्रॉ करते टाइम आपको थोड़ा भी हेजिटेट और थोड़ा भी नर्वस नहीं होना है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, देखो। और रबर का जो इरेजर होती है आपकी, इरेजर का इस्तेमाल बहुत ही नाम मात्र, हालांकि करना ही नहीं है क्योंकि वो आपको कमजोर बनाती है। हमें ड्रॉ करना है इस तरीके से, ये हमारा यहाँ से नोज का हिस्सा हो जाएगा,
हम सामने से फेस को बना रहे हैं तो इस तरीके से हमारा नोज बन जाएगा। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? इस तरीके से ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ऐसे नोज। तो अब हम आईज बना लेंगे। आईज हमें इस तरीके से बनानी है। बेटा देखो, हमें मतलब बेसिक्स पे ध्यान देना है, डिटेलिंग पे नहीं। तो आपको जल्दी जल्दी से ड्रॉ करना है, और इसीलिए आपको A4 साइज, जो कि फोटोकॉपी वाला गड्ढा आता है, वो वाली शीट इस्तेमाल में लेनी है, क्योंकि सस्ती पड़ती है। आप A3 साइज या कोर्ट्रेज वगैरह लोगे तो वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, और उससे हम सीख नहीं सकते, क्योंकि वो महंगी होती है, और महंगी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती, जो कि रफ़ है। तो रफ़ के लिए आपको A4 साइज वाली शीट इस्तेमाल में लेनी है। तो देखो गाइस, इस तरीके से हमने आईज ड्रॉ करनी है। ये एक आईज ड्रॉ होगी, दूसरी ऐसे इस तरीके से हमने आईज ड्रॉ करनी है। ये हमारी आईज होंगी यहाँ से ऐसे। पेंसिल चलाते हुए डरना नहीं है बिल्कुल भी। गलत होगा होगा, एक बार में होगा, दो बार में होगा, तीन बार में होगा, फोर्थ टाइम में आपको इफेक्ट नजर आ जाएगा कि आपने मेहनत कितनी की है, और गलत होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मतलब ड्रॉ करना है। ठीक है गाइज, तो ये जो है हमारा थोड़ा सा हिस्सा फेस का उभरने लगा है, वो इसीलिए कि थोड़ा थोड़ा सा करके हमें ड्रॉ करना है। तो रिजेम्बलेंस नहीं लानी है, बस बेसिक्स जो है ना फेस के, कैसे हमें फीचर्स निकालने हैं, कैसे नहीं निकालने हैं, ये आप बिना देखे भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये होता है हमारा फेस का स्ट्रक्चर पूरा, जो सामने से होता है ऐसे। तो ये वाली लाइन जो थी हमारी लिप्स की थी, तो अब हम यहाँ पे लिप्स बना लेंगे। ये हो गए हमारे लिप्स ऐसे। इस तरीके से ये लिप्स की जो है मिडल लाइन है, इस तरीके से हमें लिप्स ड्रॉ करने हैं ऐसे। ठीक है गाइस, तो अब देखिए हमारी आईब्रो और आईज क्लियर हो गई यहां से यहां तक। ठीक है, ये वाली लाइन थी हमारी आईब्रो की, और ये वाली थी हमारी आईज की, और ये वाला हिस्सा जो था हमारा नोज का था, और ये वाला हमारा लिप्स का था। ये सब चीजें हमारी डिटेल में क्लियर हो गई है। और फिर जो है ये वाला हिस्सा हमारा चिन का था। तो इस तरीके से हमारा फेस, ये आउटलाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से। ऐसे अब आपको हेयर ड्रॉ करने हैं। हेयर आपके जिस तरीके से आपको सही लगे वैसे ड्रॉ कर लेने हैं। मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, और अब बात है आपके ईयर्स, जो कि
ईयर्स हमें कैसे बनाने हैं, कोई भी कान। देखो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारे ईयर होते हैं वो हमारी जो आईब्रो होती है ना, यहाँ से लेके हमारी नोज की जो लोअर लाइन होती है यहाँ तक माने जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ से यहाँ तक के हमारे ईयर माना जाता है। ठीक है, तो गाइज ये ऐसे हमें ड्रॉ कर लेने हैं हमारे ईयर। ये हेयर स्टाइल आप जैसा आपको सही लगे, मतलब उस तरीके से कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा एक ईयर उस तरफ और एक ऐसे हम बना लेंगे अभी। डिटेल में नहीं जाना है, मतलब आपको बस फेस के फीचर्स, मतलब किस तरीके से हमें ड्रॉ करने होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। कुछ बच्चे होते हैं एक आईज यहाँ पे बना दी, एक थोड़ी सी उससे नीचे बना दी या ऊपर बना दी, या फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन नहीं करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये हमारा इस तरीके से होता है फेस, कोई भी फेस। तो अगर हम इसमें थोड़ी डिटेल निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो मैं इसके लिए यहाँ पे चारकोल स्टिक है, विल्वो चारकोल, ये वाला मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब देखना का ये चेहरा आपको उभरा हुआ दिखेगा ऐसे। इस तरीके से हमें ये इस्तेमाल करना है। ये देखो इस तरीके से, ऐसे हम इसे इस्तेमाल में लेंगे। ये हमारी आईब्रो हम थोड़ी डार्क कर लेंगे ऐसे। अब देखो गाइस, चेहरा आपको थोड़ा सा उभरा उभरा दिखेगा। ये बस एक सिंपल और बेसिक सा मेथड है जो आपको फॉलो करना है, वीडियो देख के छोड़ना नहीं है गाइस, वीडियो देख के उसे ऑब्जर्व करना है और वैसे ही आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से। ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप विल्वो चारकोल यूज करें, आप कोई भी, मतलब एक 20 रुपए की स्टिक आती है उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पेंसिल से भी कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल चारकोल पेंसिल आती है, एक से एक चारकोल पेंसिल है बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फेस निकालना है। ऐसे जो है हमारा फेस निकलाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही तरीके से रखनी है, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे फेस का स्ट्रक्चर होता है उसी के हिसाब से। तो अब देखो गाइस, ये इस तरीके से,
ये हमने ऐसे बना लिया। अब देखिए, अगर कहीं पे आपको लाइट दिखानी है तो वहाँ पे आप इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी लाइट होगी इस तरीके से, ये इरेजर पेंसिल है जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरीके से, बड़ी ही यूज करनी पड़ेगी। ऐसे जो है गाइस, हमें इरेजर यूज करनी है इस तरीके से, ऐसे। और फेस में डिटेल के लिए हम थोड़े से पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, ये चारकोल पेंसिल है। हालांकि इन चीज़ों पर अभी इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें बस फेस का स्ट्रक्चर सीखना था। ये जो है देखिए, एक फेस पूरा हमारा उभर कर आया है इस तरीके से, ड्रॉ करना है। हेजिटेट नहीं होना है, कोई भी ड्राइंग हो, जब आप सीख जाएंगे कि हमारा फेस इस तरीके से होता है, एक गोल ऐसे, तो फिर जो है आप एकदम रैपिडली स्केच कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है गाइस, ये देखिए, ऐसे तो पेंसिल चलाते हुए आपको हेजिटेट नहीं होना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। एक दो बार गलत होगा, बट तीसरी बार वो पक्का सही होगा। तो हमें बस ड्रॉ करते जाना है, और इरेजर का इस्तेमाल बहुत ही नाम मात्र करना है, ऐसे इस तरीके से। ये हमारी फेस ड्राइंग कंप्लीट। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।